Hey, very good morning, guys. So, like, moving on to the next question of the CRIP series. Kansas plus OU is equal to Oregon. Given O is equal to 5, you have to find the value of G plus R plus O plus S plus S, right? So, O is given 5. This O is 5. ठीक है, अब यार मेरे को बताओ, अगर O की वैल्यू 5 है, ये है 6 डिजिट, ये है 4 डिजिट, अगर ये R आया है, अगर कैरी नहीं होगा तो मैं कह सकता हूँ A is equal to R, जो कि क्रिप्ट में पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि यहां से एक कैरी फॉरवर्ड आया है, तभी ये यहां पे आके R बना है, ठीक है। और अगर यहां से आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, एक कैरी नहीं आता, अगर R मान लो सिंगल डिजिट नंबर ही होता, तो K is equal to O ही होता, जो कि अगेन पॉसिबल नहीं है, तो मैं कह सकता हूं जो मेरा R है वो टू डिजिट नंबर है, तो यानी कि यहां से भी एक कैरी आया है, ठीक है। K plus 1 is equal to मेरा O है, और A plus 1 is equal to R है, मतलब consecutive number है। अब मेरे को बताओ, अगर यार कैरी यहां से जनरेट हो रहा है, टू डिजिट नंबर है, तो ये 8 तो हो नहीं सकता, बिकॉज यहां से A की कैरी आएगा तो R की वैल्यू तो 9 ही होगी फिर, यानी कि ये श्योर हो गया कि मेरी A की वैल्यू है वो 9 है, कंफर्म है, R की वैल्यू मेरी 0 है, R की वैल्यू मेरी हो गई 0 और मेरा A हो गया 9, ये वैल्यू कंफर्म हो गई, यानी कि 10 है, 0 नहीं 10 है, यानी एक कैरी आया है, अगर ये 5 है तो K मेरे को पता चल गया, K की वैल्यू 4 है, ये मेरा K हो गया 4, तो इतनी वैल्यूज मेरे को कंफर्म पता लग गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नाउ अब मैं कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, 1 है 2 है, चलो मैं स्टार्टिंग से पुट करता हूँ, 0 नहीं ले सकता, यहाँ पे मेरे पास 1 5 है, तो मैं मान लो एस को 1 पुट करता हूँ, ठीक है, 1 5 कितना हो गया 6, एन की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है, तो मेरी n की वैल्यू आ गई, मैं यहां पर लिख रहा हूं n की वैल्यू है 6, s की वैल्यू मैंने ली है अभी 1, तो 6 प्लस 5 करूंगा, और यहां पे मेरे a की वैल्यू 9 है, यहां पे a की वैल्यू 9, अरे देखो 6 प्लस 5 11, ये भी 1 आएगा, ये 1, पर हो सकता है यहां से कैरी आया हो, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अभी, पर ये बताओ जब 5 प्लस 1 6 हुआ, यानी कि यहां से कैरी नहीं है, तो अगर ये 5 होना है, 5 यानी 15, ये टू डिजिट नंबर है, तो यानी कि डेफिनेटली ये कैरी यहां पे आएगी ही आएगी, अगर a की वैल्यू 9 है, पर ये बताओ जब यहां से कैरी नहीं है, तो i की वैल्यू तो 6 ही होनी चाहिए यहां पे 5 आने के लिए, यानी कि n 6 नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज 9 प्लस 6 ही तो 15 होगा, तो अगर n 6 नहीं हो सकता, तो यानी s 1 नहीं हो सकता, तो हम s को 1 नहीं ले सकते, ये गलत है, ठीक है, मेरा s 1 नहीं हो सकता। अब आगे चलते हैं, s को 2 पुट करके देखते हैं क्या होता है, अगर मान लो मैंने s को 2 पुट किया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7, मेरा n आ गया 7, 7 आ रहा है, अगर यहां से कैरी जनरेट नहीं हो रही, अगर ये 15 बनना है, तो i की वैल्यू को 6 होना पड़ेगा, ये भी ठीक है, n मेरा आया 7, n की वैल्यू 7, i की वैल्यू को हो गया 6, 9 प्लस 6 कितना होता है 15, एक कैरी फॉरवर्ड आया। अभी देखो यार, अगर ये n 7 है, 7 प्लस 5 तो 12 होता है, 2, यानी इसकी वैल्यू आ रही है 2, पर 2 मैं s को ऑलरेडी दे चुका हूं, पर ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहां से एक कैरी आया होगा, s की वैल्यू कितनी है मेरी 2 है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है यहां से एक कैरी आया होगा, बिकॉज अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है s को 2, अगर मैं मानता हूं कि अगर यहां से एक कैरी इस पे आया है, ठीक है, तो यानी कि मेरा g जो है वो मेरा 2 डिजिट नंबर है, ये कंफर्म है, तो 2 डिजिट नंबर होने के लिए ये क्या क्या पॉसिबिलिटी देखो इसकी हो सकती है, ये H क्या हो सकता है, अगर मैं ये कहूं कि कैरी आया है यहां से इस पर, H मेरा ना 1 हो सकता है, ना 2 हो सकता है, ना 3 हो सकता है, 4 5 6 7 मैं ले सकता ले चुका हूं, अगर मैं H को 8 मानूं तभी ये कैरी जनरेट होगा, पर H अगर 8 है 7 मैं ले नहीं सकता बिकॉज 7 ऑलरेडी है, अगर ये 8 मैंने लिया, 8 प्लस 2 10 0, पर एक यहां से कैरी है तो G की वैल्यू 1 मैंने अभी ली नहीं है, ठीक है, तो अभी तक मेरी g की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, ये मेरी g की वैल्यू आई है, h की वैल्यू को मैंने लिया है 8, मैंने एक पॉसिबिलिटी मानी है कि एक कैरी आया होगा तभी ऐसा हुआ होगा, अब क्योंकि एक कैरी आया है यहां से, तो 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, 12 प्लस 1 कितना हो गया 13, बिल्कुल सही, 3 मैंने दिया नहीं, तो यानी मेरी e की वैल्यू कितनी हो गई 3, ये मेरी हो गई e की वैल्यू 3, 2 मैंने ऑलरेडी s को दिया हुआ, सारे के सारे अल्फाबेट ऑक्यूपाई हो गए, वाओ। Now O is equal to 5 and we have to find the value of G plus R. तो G की value कितनी आई 1 plus R की value कितनी है 0. O की value कितनी है 5 plus 5.
5 एंड s की वैल्यू कितनी है, s इज 2, तो 2 प्लस 2 तो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 इज 10 इज द आंसर। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, स्टेप बाय स्टेप में हो गया।